हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुकीज किचन। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड राइस। फ्राइड राइस अपने आप में एक पूरी डिश है, पूरा लंच, पूरा डिनर है। अगर आप इसको बनाते हैं तो इसके साथ आपको और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम वन पॉट डिश भी कहते हैं। ये एक ही बर्तन में पूरा का पूरा बन जाता है। इसको बस बनाने के बाद आप इसे आराम से खा सकते हैं। इसके साथ आपको और किसी भी सप्लीमेंट्री चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले से कुक हुए राइस चाहिए। राइस हमारे बिल्कुल खिले खिले बने होने चाहिए, इसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं होना चाहिए। इसे बनाने के लिए आप 10 से 15 मिनट पहले अपने चावल को भिगो दीजिए और फिर इसको जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं वैसे बनाइए। बाकी इसमें और हमने सब्जियां डाली हैं, तो देखिए मैंने सारी सब्जियों को पहले से ही फाइनली चॉप्ड करके रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम कढ़ाई में 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लेंगे और इसमें अपने पनीर को डाल के लाइट ब्राउन हम हो लेंगे। इसका सिर्फ कच्चापन निकलना चाहिए, इसे ज़्यादा बिल्कुल भी हमको ब्राउन नहीं करना है। सिर्फ हल्का सा ब्राउन आते ही हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें कच्चा पनीर इसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसका कच्चापन निकालने के लिए बस इसको इसमें डालेंगे और इसे ऊपर निकाल लेंगे। जो हमारा ऑयल बचा है, हम इसी ऑयल में अब अपने बारीक कटे हुए अदरक डालेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, और हम अपने फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे और 2 मिनट के लिए इन दोनों को सॉटे करेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और फिर उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता है। इसमें हमें प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, हमें पकाना नहीं है किसी भी चीज़ को, हमें सिर्फ अच्छे से सबको भूनना है, वो भी हाई फ्लेम पे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, हरे प्याज वाला प्याज, और उसके बाद इसमें हम बारीक कटा बीन्स डालेंगे, गाजर डालेंगे, और फिर सबको हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे। और इनको अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ, हरा मटर डालेंगे। अब हम सारी सब्जियों को अच्छा सा मिक्स देंगे, एक हम इनको हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से भुनेंगे। फ्राइड राइस बनाते वक्त हमें एक बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जो सब्ज़ियाँ हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से कोई भी सब्ज़ी ऐसी ना हो जिससे कि पानी छूटता हो। अगर पानी छूटने वाली कोई भी सब्ज़ी होगी तो इसका टेक्सचर बिल्कुल भी वैसा नहीं आएगा और देखने में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप ये ध्यान बिल्कुल रखना कि इसमें पानी छोड़ने वाली कोई भी सब्ज़ी आप इस्तेमाल ना करें। इन सारों को हम हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से भून लेंगे सब्ज़ियों को। अब हम बीच में थोड़ा स्पेस बना लेंगे और इसमें हम 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें विनेगर डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसमें हम अब 1/4 चम्मच काली मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप फ्राइड राइस में रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसमें अजीनोमोटो यूज़ करिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं, वैसे भी वो एक केमिकल होता है जिसको कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं, और हम नॉर्मली जब घर में हम फ्राइड राइस बनाते हैं तो उसका यूज़ नहीं करते हैं। पर मैंने इसलिए बताया कि अगर आप कभी रेस्टोरेंट वाला स्वाद चाहते हो तो वहाँ पर अजीनोमोटो का ही यूज़ किया जाता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप नॉर्मली भी बनाएंगे तभी भी वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए हमारी सब्ज़ियाँ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भून चुकी हैं। अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए पनीर को डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आप सॉस डाल रहे हो तब आप थोड़ा फ्लेम कम रखिएगा, क्योंकि नीचे से सब्ज़ियाँ जल जाएंगी, और वैसे आप पूरे टाइम हाई फ्लेम पे ही रखिएगा। अब हम अपने चावल को ऐड करेंगे। देखिए हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं, तो आप चावल इसी तरीके से बनाइएगा। अगर चिपके हुए चावल बनेंगे तो फिर बिल्कुल भी वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब हम बस कुछ नहीं, हमें इन सबको मिक्स कर देना है आपस में, और मिक्स करने के बाद देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है।
अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो तो इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, ये आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। अब हम ऊपर से ढेर सारा हरा प्याज डालेंगे इसमें, जिससे कि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। बहुत ही कलरफुल डिश होती है ये। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद देखिए हमारी फ्राइड राइस जो है वो बहुत ही कलरफुल और टेस्टी दिखाई दे रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली दिखाई दे रही है। रेस्टोरेंट में इसी टाइप की मिलती है फ्राइड राइस। अब हम इस पर हरा धनिया डालेंगे गार्निशिंग के लिए और बस हमारी फ्राइड राइस बिल्कुल बन के रेडी है। देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रही है हमारी फ्राइड राइस। तो आप इस रेसिपी को पक्का ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।